नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा प्यार का साल, यानी कि लव राशिफल आपका कैसा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर आपको बता पाएँ और आपकी समस्या को हल कर पाएं। साल की शुरुआत शनि रहेंगे धनु राशि में, गुरु रहेंगे वृश्चिक राशि में और राहु चलेंगे 6 मार्च को मिथुन राशि में। वहीं केतु धनु राशि में, गुरु का राशि परिवर्तन 30 मार्च को होगा धनु राशि में, फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, 5 नवंबर को वापस आ जाएंगे धनु राशि में और 10 अप्रैल को वक्री होंगे, 11 अगस्त को मार्गी होंगे और शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर 18 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका ग्रहों का चाल। अब बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप। देखिए, लव रिलेशनशिप जो तुला राशि वालों का इस साल का है, वो थोड़ा सा शुरुआत जो हो रही है वो थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूँगा कि मिक्स बैग के साथ हो रही है। शुरुआती दौर जो ट्रेंड है वो थोड़े से मिक्स बैग के ट्रेंड है। आपको थोड़ा सा ध्यान शुरुआत में रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह की गलत फहमी जो है वो आप लोगों के बीच में ना आए तो बेहतर है। हालांकि साल काफ़ी बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी शुरुआत में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। परिणाम अच्छे मिलेंगे, साल की शुरुआत जो रहेगी थोड़ी सी नरम रह सकती है, लेकिन 2019 लव लाइफ के लिए बेहतरीन वर्ष साबित होगा। कुछ नए रिश्ते की शुरुआत होगी, लव पार्टनर के साथ आपको बढ़िया तालमेल रहेगा, उनके साथ आप ट्रिप पर भी जा सकते हैं, मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे, मूवी इत्यादि के काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, जिस शुरुआत में मैंने कहा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होंगी जहाँ पर थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लगेगी, वहीं कुछ तनाव का सामना भी शुरुआत में आपको करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको खुद को संभालने की जरूरत रहेगी, लव पार्टनर को दबाव ना बनाएं, किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना करें, घुमा फिरा कर चीज़ें ना बोलें, जो बात कहनी है उसको डायरेक्टली कहें तो बेहतर रहेगा, उसमें जो क्लैरिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी। अगर आप एक सिंगल हैं और एक प्यार की तलाश में थे तो यह साल आपके लिए मुकम्मल हो सकता है, कुछ नए रिलेशनशिप्स की आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। शुरुआत में जो पार्टनर है आपका उसके ऊपर आँख मूंद कर विश्वास भी ना करें, रिलेशनशिप को थोड़ा सा समय दें, साथी की आदतों को समझें, फिर आगे बढ़ाएं। अगर आप रिलेशनशिप में पहले से हैं तो इस साल शादी के बारे में सोच सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। कुल मिलाकर समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन गलत फहमियों को बिल्कुल जगह ना दें तो बेहतर आपके लिए ये और हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके की गलत फहमियों को जगह देते हैं तो दोस्तों फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके साथ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। तो ये था आपका छोटा सा एनालिसिस, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। बस एहतियात रखिए, किसी के ऊपर ज़्यादा आँख मूंद का विश्वास भी ना कीजिए, उसको पूरी तरह से समय दें, समय देकर ही कोई निर्णय लें। अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।